हाय गाइस, जय साईं जी की। तो गाइस, आज हमारा अचानक से प्रोग्राम बन गया मुराशा जी के दर्शन करने का। तो हम आए हैं नकोदर मुराशा जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए, आपको भी हम अपने साथ दर्शन करवाते हैं। जितना हो सकेगा हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है दरबार में। तो हम बाहर से जितना हो सकेगा आपको दिखाएंगे। तो ये बाबा मुराशा जी की एंट्री गेट है, तो हम यहाँ पर एंटर हो रहे हैं। देखिए कितना रश है आज भी। सुबह सुबह हम आए हैं 9:30 बजे के करीब, तब भी कितना रश है। ये है बाबा जी की फ़ोटो और ये हम डेरे के अंदर आ गए हैं। डेरा ऐसा दिखता है, कितना सुंदर लगता है डेरा, देखो खुला खुला है। अब हम अंदर एंटर हो रहे हैं दूसरे गेट में। तो ये दूसरा गेट है, दूसरे गेट के अंदर हम एंटर हो गए हैं। ये बाबा मुराशा जी की पिक्चर लगी हुई है। तो दरबार के अंदर नहीं अलाउड था, तो हम दरबार के बाहर आकर बिल्कुल राइट साइड पर ये पिक्चर्स लगी हैं। ये अभी थोड़ा टाइम हुआ है बने को, क्योंकि जब भी आओ तो कुछ चेंज होता है। तो अब हम आए हैं तो ये चेंजिंग है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। सब पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर, अपनी भी और बाबा जी की भी। ये मुराशा जी हैं और साथ में लाडी शाह जी हैं, और ये साइड पे लाडी शाह जी की पिक्चर्स लगी हुई है, और साथ में इनका पूरा श्रृंगार है जो जो ये डालते थे। और ये बाहर का व्यू है, कितना सुंदर लग रहा है बाहर का व्यू। शाम के टाइम बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग भी होती है। अभी धूप है, सुबह ही धूप इतनी लग निकली हुई है। ये बाबा जी की फ़ोटो है, लाडी शाह जी की। यहाँ पर चाय का लंगर लगा हुआ है, तो मेरे हस्बैंड चाय लंगर ले रहे हैं, हम नहीं पी रहे। हम साइड पर बैठे हुए हैं, मैं और नमन, क्योंकि हमें गर्मी लग रही थी तो हमें चाय नहीं पीनी थी। और हमारे बिल्कुल बैक साइड पर लंगर है। और ये 786 का प्लांट लगा हुआ है, कितना सुंदर। और बाहर मीठा पानी मिल रहा है सबको, क्योंकि गर्मी बहुत है तो सब यहाँ पर पानी पी रहे हैं और हम भी पी रहे हैं, क्योंकि हमें गर्मी लग रही थी। फिर भी सुबह सुबह हम आए हैं तो इतना नहीं पता चला। सब लोग दर्शन करके अब घर के तरफ जा रहे हैं। अब हम आए हैं लाल बादशाह जी के दर्शन करने, वो भी कुछ ही दूरी पर ही है, थोड़ा सा टाइम ही लगता है, 10 मिनट का रास्ता है। तो जब भी हम आते हैं मुराशा जी के, तो हम यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये अंदर भी एंटर हो रहे हैं हम बाबा जी के। तो ये सामने जो पिक्चर लगी हुई है, ये लाल बादशाह जी की है। ये ऐसे दिखता है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा काम चल रहा है, बन रहा है। छिप छिप कर हम थोड़ी सी वीडियोस ले रहे हैं, क्योंकि अलाउड नहीं है। ये अब बाहर की है, बाहर का दृश्य ऐसा है। अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है गार्डन। और यहाँ पर कवालियाँ भी लगी हुई थी, जो कि बहुत सुंदर थी, क्योंकि जब भी हम कहीं पीर दरगाह में जाएं तो वहाँ पर कवालियाँ ही लगी होती हैं और बहुत ही सुंदर लगती हैं, सुनने में भी बहुत मज़ा आता है। अब हम आए हैं निशान की तरफ बाबा जी के। यहाँ पर हम अगरबत्ती, तेल और मूली को चढ़ाने, तो अगरबत्ती मैं चढ़ाने लगी हूँ। ये देखें, सब लोग यहाँ पर अगरबत्ती चढ़ा रहे हैं। ये देखें बाबा जी की पिक्चर्स हैं। ये हम बाहर आए हैं निशान से, तो सामने ही बिल्कुल हैं बाबा जी, रिक्शा चलाते थे लाल बादशाह जी। ये देखें बाहर कितना सुंदर ऊपर से नज़ारा है। ये देखें उनका रिक्शा पड़ा हुआ। ये बाबा जी हैं। यहाँ पर भी सब लोग पिक्चर्स ले रहे थे और दर्शन कर रहे थे। जो भी आता है यहाँ पर भरी झोली भरकर जाता है। दर्शन करके हम आ गए सबवे, क्योंकि हमें भूख लग रही थी। तो नमन बोल रहा कि सबवे जाना है, तो सुबह के टाइम यहाँ पर कोई भी नहीं था, तो नमन ने जो ऑर्डर किया था वो भी आ गया। नमन ने ऑर्डर किया था मैक्सिकन पैटी और साथ में किया था उसने वेज शमी कबाब। तो हमारा मन नहीं था सबवे खाने का,
नमन का मन था तो हम नमन के साथ आ गए, तो नमन के पापा ने हाफ पैटी उन्होंने ले ली शेयर करने के लिए। तो ये नमन खा रहा है अपना वेज शमी कबाब। तो हमारा मन था कि हम बाहर जाके किसी ढाबे पर ज़बरदस्त परांठे खाएंगे, तो पर हमें कोई भी ढाबा नहीं मिला जहाँ से हम कुछ खाते। तो हम देखते देखते हम आ गए एक नर्सरी में, तो हम यहाँ पर आकर प्लांट्स लेने लग गए। यहाँ पर बहुत सुंदर प्लांट्स थे, हमें बहुत शौक है प्लांट्स प्लांट्स का, कि हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो प्लांट्स वहाँ से ले आते हैं अपने घर के लिए। तो यहाँ पर देखें कितने सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं। मन कर रहा था कि सारे ही प्लांट्स ले जाओ, पर इतने सारे लेके जाने भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं और केयर करनी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो देखें जहाँ भी नज़र घूमती है वहाँ पर प्लांट्स ही प्लांट्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स थे, पर घर पर इतनी केयर नहीं हो पाती। देखें कितने सुंदर प्लांट्स हैं, और पॉट्स भी पड़े थे पर जो हमें चाहिए थे वहाँ वो यहाँ पर पॉट्स नहीं थे, तो हमने यहाँ पर पॉट्स नहीं लिए। ये देखें कैक्टस कितने सारे पड़े हुए हैं, हर तरह के यहाँ पर प्लांट्स थे। बहुत ही अच्छी नर्सरी थी यहाँ पर, जो भी आप चाहो वही यहाँ पर था मिल रहा। ये देखें कितने सुंदर प्लांट्स। तो गाइज़ अब हम घर पर आ गए हैं, तो हम ये सारे प्लांट्स लेकर आए हैं। देखो कितने सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं। तो इसको हम सेट तो शाम को ही करेंगे क्योंकि अब हम थक गए हैं, तो अभी हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर हम शाम को इनको सेट कर कर लगाएंगे। तो गाइज़ अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।